हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारे पास जो वीडियो है जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो है, अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और काफी फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका नाम तो मेरे ख्याल में सभी को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, अमेजिंग लाइफ स्टोरी, उनकी अमेजिंग लाइफ स्टोरी मस्ट वॉच, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं। तो चलें जी, मस्ट वॉच करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये ले, हर पंछी की एक अपनी उड़ान की सीमा होती है। Yes. मेरी भी उड़ान की सीमा है, कैसे किया जाए असीमित गुणगान, जिसका किया जाना चाहिए असीमित गुणगान। किसका जन्मदिन है आज? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के दिन 25 दिसंबर 1924 में आपका जन्म हुआ ग्वालियर के अंदर। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, आपने बीए की पढ़ाई करी ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज से। बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप डीएवी कॉलेज कानपुर गए। एलएलबी की पढ़ाई की शुरुआत करी, पत्रकारिता के चलते आपने बीच में उसको छोड़ दी। पहले तो आप साम्यवाद पसंद करते थे, हम सब बराबर है, लेकिन बाद में बाबा साहब आमटे से प्रभावित होकर के 1939 में आप आरएसएस से जुड़े, गांधी जी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े। उस समय 1942-43 के आसपास आप 23 दिन जेल में भी रहे, और जब जेल में रहना पड़ा तो वही घटना आपको राजनीति में खींच लाई। एक अलग ही प्रकार की फिलॉसफी, पॉलिटिशियन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इनकी फिलॉसफी समझिए। मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। आप गलती करोगे, मैं विरोध करूंगा, आप गलती करोगे, मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी गलतियों के विरोध करने के अधिकार को भी छोड़ने नहीं दूंगा। हाँ, देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके कॉम्पिटिटर्स थे पर एनिमीज नहीं थे। पंडित नेहरू के विचारधारा को लगातार उसका खंडन करते हैं, लेकिन बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। ये पंडित नेहरू को बोलते थे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें चर्चिल भी है और चेंबरलीन भी है। चर्चिल कौन थे? ये भी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, यूके के। कहते थे कि आपका बड़ा पीसफुल नेचर है चर्चिल की तरह। वो कहते कि जब कश्मीर की बात आती है तो आप चर्चिल बन जाते हैं, और जब हैदराबाद के निजाम, जो जिस समय अपना अलग देश बनाना चाहते थे, तो वहां पे आप चेंबरलीन भी हो गए, जो बड़े गर्म स्वभाव के थे। चेंबरलीन क्या थे? इतने तो बोले, मैं इतना गर्म हो गए कि जा करके आर्मी भेज के हैदराबाद को वापस भारत में मिला लिया, भारत से। तो नेहरू जी का वो हमेशा बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, उनकी तारीफ भी करते थे उनकी नीतियों की, उनको सन ऑफ इंडिया भी बोला, उनके विकास कार्यों की तारीफ भी करी। एक बार जब जिस समय साउथ ब्लॉक में पंडित नेहरू जी की फोटो लगा करती थी, ये विदेश मंत्री बने, तो किसी ने इनको इंप्रेस करने के लिए साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू जी की बड़ी फोटो को हटा दिया, और उन्होंने पूछा अपनी टीम से, वहां ब्यूरोक्रेट से, कहां गई भाई पंडित नेहरू जी की फोटो? और सब चुप थे, और अगले दिन वहां पे नेहरू जी की फोटो वापस लग गई। उस प्रकार के आदमी नहीं जैसे बाकी सब हुआ करते थे। जब ये विपक्ष में भी थे ना, तो भी पक्ष के साथ में देखते थे कि ये भारत के लिए बात हो रही है। जानते हैं 1971 के समय में इंदिरा गांधी आई थी और क्या बोली? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के झगड़े में फंस गई, और उस समय बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, इन्फिल्ट्रेशन करके वहां से लाखों लोग अंदर आ रहे थे, क्योंकि वहां आपस के झगड़े इतने ज्यादा थे। और उस समय जब इंदिरा गांधी वहां प्रयास करने लगी, तो भारत पे चार तरफ से अटैक हुआ नौसेना के द्वारा। आईएनएस विक्रांत, वो पिक्चर भी आपने देखी होगी, पीएनएस गाजी के ऊपर पिक्चर थी। आईएनएस विक्रांत और पीएनएस गाजी का चेन्नई के पोर्ट को वो कब्जा करना चाहते थे, वहां उनको पीएनएस गाजी को महासागर में डुबो दिया हमारी टीम ने। वो जैसलमेर में लोंगे वाला, वो सनी देओल की पिक्चर आई थी उसके ऊपर, वहां से भी अटैक हुआ। भारतीय 120 जवान थे केवल, पाकिस्तान के 3000 जवान पूरे टैंक लेकर के खड़े थे, वहां भी उखाड़ा। चौथी तीसरी लड़ाई उनकी जब कश्मीर में थी, और चौथी ढाका शहर के अंदर, जहां जनरल मियाजी को उन्होंने उखाड़ा, 93,000 सैनिकों को पूरा सबको वहीं सरेंडर करा दिया। इंदिरा गांधी क्यों कर पाई ऐसा? क्यों कर पाई? इसीलिए कर पाई क्योंकि वाजपेयी बोले कि ये देश की बात है, आप चिंता मत करिए। वहां विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी को तंग करना चाहता था, वो ये कहते थे कि गरीबी हटाओ के चक्कर में आप कहां विदेश के झगड़ों में लग गए, बांग्लादेश के झगड़े में लग गए। लेकिन वाजपेयी ने जगह, जब बात देश की आ रही तो सब चुप रहेंगे, पूरा का पूरा विपक्ष हमारे साथ एकजुट होकर आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं आजकल के समय में जहां पे पूछा जाए बस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ, हमारे को प्रूफ दिखाओ, कोई प्रूफ नहीं मांगा वहां पे। प्रतिपक्ष होने के बावजूद आपके निर्णय के साथ विपक्ष खड़ा रहेगा, ये वाजपेयी जी ने कहा। हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसा डाइवर्सिटी इंक्लूजन था। इसके अलावा पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल अपने पूरे किए, उससे पहले सरकारें आई और चली गई हैं, लेकिन ये कैसे व्यक्ति थे, सबको साथ लेके चलते थे। डाइवर्सिटी इंक्लूजन, इतना सबको साथ लेने की क्षमता थी कि लोगों की आइडियोलॉजी अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, एस्पिरेशन अलग, ये उनको जोड़ लेते थे। लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स को भी जोड़ लेते थे। एनडीए गवर्नमेंट का जब उन्होंने बनाया, जब लोग उनको समर्थन दे रहे थे, तो उसमें हर प्रकार के लोग थे, 24 पार्टियों को साथ में लिया। मेरी बात समझना,
24 आइडियोलॉजीज हैं, ये 24 फिलोसफीज हैं। हर लीडर को, 24 प्रकार के लीडर को जो अलग अलग प्रकार से सोचता है, वो घोड़े से सब अलग दिशा में जा रहे हो, रथ को उल्टा के छोड़ेंगे, पर उन घोड़ों को भी साथ में कैसे लेके चलना है। ये जेडीयू और एलजेपी आपस में खूब लड़ते थे, लेकिन वाजपेयी जी के साथ एक साथ चुप होकर के उनके साथ हिस्सेदारी करते थे एनडीए को आगे बढ़ाने में। ये क्या कहते थे कि भाई पर्पस पोल्यूशन से ज्यादा बड़ा, कभी पोल्यूशन के चक्कर में नहीं रहे। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। 1994 में जब कश्मीर मुद्दे में जिनेवा मानवाधिकार सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को ललकारा था, बेनजीर भुट्टो ने जाके यूएन में शिकायत कर दी, वहां पे धारा 370 और कई प्रकार की बातें और कश्मीरियों को हम तंग कर रहे हैं, ऐसा करके बेनजीर भुट्टो पहुंच गई यूएन में। अब नरसिंह राव सरकार थी उस समय 1994 में, अब नरसिंह राव जो थे ना वो बहुत बुद्धिमान थे लेकिन बोल नहीं पाते थे अच्छे से। अब उनको लगा यार जाके वहां कौन समझाए, वो जिनेवा कन्वेंशन में कौन जाके बोले और कौन उनके छक्के छुड़ाए। नरसिंह राव अपनी सरकार में पूरा ढूंढते रहे किसको भेजें किसको भेजें। अब समझिए, शत्रु ऐसा कि अपने मित्र से ज्यादा विश्वास शत्रु पर कर सके, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की को डेलीगेशन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया, बोला आप चले जाओ भैया हमारी तरफ से। अटल जी अपने भाषणों से किसी का भी मन मोह लेते थे, वहां गए और बेनजीर भुट्टो की बुद्धि चकरा गई, ये कहां से आ गया, क्या बोली ये कहां से आ गया भैया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां जाकर के भारत का नाम उठाया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो क्या कहती है कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है, जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए आया है, एक हमारा प्रतिपक्ष है। बेनजीर भुट्टो क्या बोली सुनिए, कहती है कि एक हमारा प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष, जो देश में रहकर ही ऐसा काम करता है कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, इतना विश्वास किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का काम करने के लिए ऑपोजिशन के लीडर जा रहे हैं, दुश्मन बनो तो ऐसा बनो कि आपका दुश्मन भी आप पे अपने दोस्त से ज्यादा भरोसा करे। पीवी नरसिंह राव जी से उनकी जो दोस्ती थी ना, वो सदन के अंदर तो खूब उनका विरोध करते थे, उनकी नीतियों का बाहर निकलने के बाद उनके साथ फिर उनकी दोस्ती होती थी, इतना सम्मान कर पाते थे लीडरशिप में, वो पॉलिटिक्स को कभी गंदा नहीं होने दिया। क्या कहते थे कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप जानते हैं कि जब उन्होंने अपनी 51 मेरी 51 कविताएं उन्होंने किताब लिखी, तो उसका विमोचन भी उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव से कराया, ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते थे। 74 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पक्ष विपक्ष के लीडर आपस में अच्छे दोस्त थे। ऐसे थे कौन प्रधानमंत्री हमारे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक दफा की बात है, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी सदन के अंदर जो वो निंदा करी, वो निंदा करी उनकी, वो हालत करी, उन पे वो प्रश्न किए कि मनमोहन सिंह जी दुखी हो गए बहुत, उनको बात लग गई दिल पे, उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। समझिए क्या कहा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। नरसिंह राव जी के पास चले गए, नरसिंह राव उनको समझाते रहे, अरे रुक जा भैया रुक जा, अरे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी अड़ गए, अब तो मैं रिजाइन, मेरी बेइज्जती हो गई जी, मेरी बेइज्जती हो गई। और हुआ क्या बाद में, नरसिंह राव जी ने कहा कि यार हमारी पार्टी में तो कोई समझा नहीं पा रहा है, वाजपेयी जी आप ही समझाओ, भाई रिजाइन ना करें। वाजपेयी जी उनको बोले पर्सनल मत लो, ये हमारा प्रोफेशनल है, ये तो हम केवल आपकी नीतियों के अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट थोड़ी है। और मनमोहन सिंह जी उनकी बात मान गए, अगर लीडर हो तो ऐसा लीडर हो कि आपका शत्रु भी अपने मित्र से ज्यादा विश्वास आप पे करे। 1998 में जब कांग्रेस की सरकार 270 वोट पे थी, बीजेपी था ये 269 पे था, इनकी सरकार गिर गई, पार्टी तोड़कर सत्ता हासिल करने का उनके ऊपर जो है आरोप लगा और बोले कि क्या आप ये एक वोट को किस तरह से लेंगे जब इस प्रकार के कुछ आरोप लगने लगे, तो उन्होंने शरद पवार की कहानी सुनाई कि शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई, पार्टी तोड़ के एनसीपी बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने। वो क्या बोले, पार्टी नहीं तोड़ेंगे हम, पार्टी को तोड़ के अगर सत्ता मिले तो मैं ऐसी सत्ता को हाथ लगाना तो दूर चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं। उस समय खैर कांग्रेस के लोग उन पर बहुत हंसे थे और उन्होंने क्या कहा कि आज तुम मुझ पे हंस रहे हो ना, एक ऐसा समय आएगा जब पूरा देश तुम पे हंसेगा। वैसे उनकी कही बात 2014 और 2019 में सत्य हो ही गई, 18 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस केवल 52 सीटों पर सिमट के रह गई, 17 राज्यों में तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बहरहाल ये बात आज की ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये बात उस लीडर की है जो अजात शत्रु है। धीरे धीरे जनप्रिय प्रिय करो,
क्या अर्थ हुआ? एक ऐसे लीडर था जिसे धीर अधीर दोनों पसंद करते थे। धीर वो जो स्टेबल माइंडसेट का है, अधीर वो जो बड़ा गुस्से वाला है, धीर वो जो मित्र हो, अधीर वो जो शत्रु हो, इनको सभी लोग बड़ा पसंद किया करते थे। ये एकमात्र ऐसे लीडर थे। 1976 का मैं एक किस्सा बताऊंगा आपको। श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, दुनिया भर में गीता सिखा रहे थे, उन्होंने अपने आज के जो चेयरमैन है इस्कॉन के, श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको भेजा वाजपेयी जी से मिलने। उस समय वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे, ये इमरजेंसी के बाद की बात थी, और विदेश मंत्री थे, और उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि हमारे 500 शिष्य ऐसे हैं जो दुनिया भर में हैं, उनको हम इंडिया लाना चाहते हैं, और यहाँ पे आकर के भगवद गीता सिखाएं और उनको रहने के लिए परमानेंट वीज़ा दे दें। वाजपेयी जी ने उनको इतना सम्मान दिया, और जब भगवद गीता की बात आई तो वाजपेयी जी के इस सम्मान को देखा, और उन्होंने आकर जब श्रीला प्रभुपाद को बताया, श्रीला प्रभुपाद ने वहीं पर उसी समय पर भविष्यवाणी कर दी थी कि ये व्यक्ति आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे ये भविष्यवाणी तो पंडित नेहरू ने भी एक बार करी थी कि ये व्यक्ति ज़रूर प्रधानमंत्री बनेगा, जब उनकी स्पीच सुन करके वो बिल्कुल रह गए थे, हक्के बक्के रह गए थे। वाजपेयी जी की लीडरशिप बाय एग्जांपल थी। उन्होंने हमेशा जब वो सरकार में आए, देखिए एक बार तो 1980 में उन्होंने बीजेपी बनाई, 1984 में केवल 2 सीटें मिली। उस समय इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था तो सबका सेंटिमेंट कांग्रेस की तरफ चला गया था, तब इनको केवल 2 सीटें मिली। 2 सीटों से ही आगे बढ़े धीरे धीरे। आगे चल के ऐसा समय 13 दिन की सरकार बनाई, फिर 13 महीने की सरकार बनाई, और फिर 1999 से 2004 तक पहली सरकार नॉन कांग्रेस की जिसने अपना टर्म पूरा किया। बहरहाल जब ये पहली बार सत्ता में आए, आते ही इन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि भैया तुम किसी को भी चुन सकते हो, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते, तुम्हारे पड़ोसी हम हैं, हमारे पड़ोसी तुम हो। कठिन समय में पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, क्यों नहीं हम और आप एक हो जाएं और दोस्ती करें। 1999 में जो लाहौर में जो समझौता हुआ, उसके बाद उन्होंने सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस भी चालू करी दिल्ली से लाहौर तक, और क्या कहा कि जब तक दिल से दिल की दूरी रहेगी तभी तक रिश्तों में मजबूरी रहेगी। तो रिश्ते खराब नहीं करते, दिल को दिल के नजदीक लेके आते हैं। नवाज शरीफ से जाके मिले, अपने साथ क्रिकेटर कपिल देव को लेके गए, लोगों को क्रिकेट पसंद था, जावेद अख्तर लोगों को बड़े पसंद थे, वहां पे उर्दू के अंदर प्यारी बातें वो करते थे, मल्लिका साराभाई को लेके गए, देवानंद एक्टर, उनकी मूवीज बड़ी चलती थी, लालू प्रसाद यादव की तो मीठी मीठी सी जैसी कॉमेडी भरी बातें हुआ करती थी, और इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल जो किसानों के नेता हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो एक बार गलती करे नादान, जो 2 बार गलती करे अनजान, लेकिन जो बार बार गलती करे वो शैतान, जो जिंदगी भर गलती करे वो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जाके पीठ पे खंजर भोंक दिया और कारगिल की सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया। इधर से ये बस चलाते रहे और वहां से वो कारगिल को कब्जा करते रहे, दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह। याद रखना वाजपेयी थे भाई, दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। मुंबई पर अटैक हुआ, कसाब आ गए, हम बड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, बोले निंदा फिंदा कुछ नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और पूरा कारगिल जीत के आए, सबको उखाड़ दिया। और इतना ही नहीं, मुंबई अटैक को तो छोड़ो, वहां तो केवल निंदा करते रहे, यहां पे इन्होंने अमेरिका भी चिल्लाता रह गया, कोई बंदा नहीं लेकर के आएगा किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण। और ये क्या किया इन्होंने, जाके अंडरग्राउंड चुपचाप, ऊपर से सर्वेलेंस चल रहा है, ऊपर से इनके सैटेलाइट घूम रहे हैं, सैटेलाइट में आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, अंडरग्राउंड जाके पोखरण में पूरी तैयारी करी, भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया, मालूम था सबको कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। तो वाजपेयी जी बोले अब नहीं रुकेंगे, कुछ भी बोलता रहे यूएस खड़े होकर के तुम्हारे पे हम ऐसा कर देंगे, नहीं सुनी किसी की। 98 में पोखरण के अंदर ही सफल परमाणु परीक्षण किया, पूरे देश को खड़ा किया। उसके बाद जब लोगों ने बोला अब क्या करोगे, बोला बड़ा सिंपल सिद्धांत है, नो फर्स्ट यूज। क्या है नो फर्स्ट यूज? पहले हम यूज नहीं करेंगे, पहल मैं करूंगा नहीं, धूल मैं छोड़ूंगा नहीं। वन मोर टाइम, पहल मैं करूंगा नहीं, धूल मैं छोड़ूंगा नहीं, डरता मैं किसी से नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। 2004 में इन्होंने सोचा कि भाई इतने दिन से क्रिकेट बंद कर रखा है, हो गया कारगिल, बात पुरानी हो गई, वापस क्रिकेट के द्वारा रिलेशनशिप बनाते हैं। सौरभ गांगुली को बुलाया और क्या बोले, पकड़ो बल्ला, मैच भी जीती है और दिल भी जीती है। ये रिश्ते बनाना जानते थे, लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे, पॉलिटिशियन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक और उदाहरण देता हूं, रामलीला के मैदान में ये कहानी बड़ी सुंदर 1977 की बात थी, इमरजेंसी के अगेंस्ट उन दिन उनकी पार्टी थी जनसंघ, तब बीजेपी नहीं थी, जनसंघ पार्टी को लीड करके रामलीला मैदान में चाहते थे हजारों लाखों लोगों को इमरजेंसी की नीतियों के खिलाफ जाके बात करें। इंदिरा सरकार में संजय गांधी जी ने दिलचस्प चाल चली, उन्होंने क्या किया कि भैया 1973 में बॉबी मूवी आई थी, एक सुपरहिट मूवी थी, है जी, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लड़के लड़के बड़े एक्साइटमेंट से देखते थे, कमरे में हम और तुम बंद और चाबी खो जाए, बड़ा मजा आ जाए। और उस समय बॉबी जो है अपना बिकनी में आई थी, उस समय बड़ी एक्साइटमेंट थी। संजय गांधी ने बोला आज संडे नहीं है, शायद उस दिन थर्सडे था, बोला आज थर्सडे के दिन इनके कोई पहुंचे नहीं रैली के अंदर, आज मूवी चला देते हैं। शाम को 5 बजे उन्होंने मूवी दूरदर्शन पर चालू कर दी, और लेकिन हुआ क्या, डिम्पल कपाड़िया की बिकनी भी लोगों को रोक नहीं पाई, लोग चाबी खो जाए ये बात नहीं रोक पाई, हम कमरे में बंद हो जाए ये बात नहीं रोक पाई, लोग कमरे में बंद नहीं हुए, रामलीला मैदान हजारों लाखों लोगों से भर गया। अटल जी एक ऐसे नेता थे,
जिनको लोग पसंद करते थे। सर्दी थी, बारिश थी, लेकिन उस दिन भी रात 10 बजे तक लोग रुके, अटल जी की सारी उस स्पीच को ध्यान से सुना। ये तो ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेम करते थे सबसे, सारे धर्मों से। ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन पे उंगली उठा दे। समो हम सर्वभूतेषु, समो हम, मैं समान हूँ सर्वभूतेषु, सभी धर्मों के लिए। भारत में ऐसे भी कई नेता हैं जो क्या कहते हैं, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। दूसरे एक और नेता महाराष्ट्र से, वो क्या कहते थे कि उस घटना में मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरा पैर था। पर अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टी से उठ के बात करते थे। जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तो उन्होंने बोला गलत है तो गलत है। उनकी अपनी सरकार थी, बीजेपी की अपनी सरकार थी उस समय, कल्याण सिंह की, उसकी भी निंदा करी उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी को उस समय जाके 2002 में राजधर्म का पाठ पढ़ाया कि राजा के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। अपने लोगों में गलती हो तो उसको भी ठीक करेंगे। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात है ना, एक राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। ये राजधर्म निभाते थे, राजनीति कभी गंदी नहीं करी उन्होंने। वोट मांगते हुए सामने वाले की नीतियों पे कठोर प्रहार तो करते थे, पर पब्लिक में आके बोले मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कांग्रेस की 50 वर्ष की उपलब्धियों पे पानी फेर दूं। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पे पानी फेरने जैसा है। ये सामने वाले के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना जानते थे, उसकी कमियों को भी उजागर करना जानते थे। कहते थे कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 50 साल कुछ नहीं हुआ तो देशी किसान के साथ अन्याय होगा, मजदूर के साथ जाति होगी, और आम आदमी भी उसके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा, खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। और कहते थे शादी इस राह में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। शादी की बात चलने पर अटल जी को जब एक दिन बोला गया तो 3 दिन कमरे के अंदर जाकर अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया। बहरहाल भारत रत्न दिया गया 25 दिसंबर 2014 को। अटल जी उस समय शरीर से बहुत कमजोर हो चुके थे। 27 मार्च को उनके घर जाकर के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आवास में उनके पहुंच के उनको भारत रत्न दिया। 16 अगस्त 2018 को वो इस देश को, इस पृथ्वी को अलविदा कहकर चले गए। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। कूच मतलब अब जाने का समय आ गया है। प्रतिवर्ष इनका जन्म देश में गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाया जाता है, सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने सबको राजधर्म सिखाया, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम बड़ा बिजनेस में लोगों को बिजनेस धर्म सिखाते हैं। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा पे बहुत जोर दिया, खुद भी शिक्षा उन्होंने उस समय काफी देर तक पढ़ाई करते रहे जिस समय लोग पढ़ाई नहीं किया करते थे। आज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने भी अपना सहयोग कैसे किया, सबसे अफोर्डेबल कर दिया, 750 रुपए महीना, 1500 रुपए महीना। ओके, बिल्कुल। क्या सीखा? बहुत कुछ वीडियो से। एक तो पूरी उनकी लाइफ स्टोरी का पता लगा, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उनका सेतु भी बना है। और एक चीज ये है कि यार क्या ग्रेट मैन था ये, बिल्कुल साथ लेके चलता था, क्या बात है यार। और ओपोजिशन को जिस तरीके से वो साथ लेकर चलना, कोई उनसे सीखे और देश के लिए, मतलब आप यार एक सीट यार। और इधर हमारे क्या होता है इलेक्शन में, पता नहीं कितनी कितनी सीटें इधर उधर हो जाती हैं, वो मर रहे होते हैं एक दूसरे की सीट के लिए कि उसको तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, है एक सीट, क्या बात है, एक सीट से रह गए थे ना। और एक चीज ये है कि कमाल और बंदे का वैसे लेवल था, अपना लेवल था, लेकिन इन्होंने अपने 5 साल को मत पूरी की, 5 साल को मत पूरी की। और उसके अलावा ये है कि बहुत ही सीनियर, और मैं कहता हूँ कि उनकी लाइफ स्टोरी देखकर पता चलता है कि वाकई यार एक बंदा जो कि वाकई सच में एक लीडर जो होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसको अपने देश की ओर। भाई वो पाकिस्तान में आए हैं साथ काफी लोगों को लेकर आए हैं, और पाकिस्तान को साथ लेकर चलते हैं, दोनों के रिलेशन, मतलब यही चीज ना, और मतलब यही चीज होनी चाहिए। अब एक चीज है कि एक चीज मेरी समझ में से बाहर आना, जो बाला तर है, जो ऊपर है, वो मुझे नहीं समझ आती कि जो, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था यूएन स्पीच में, उन्होंने बोला था कि एक 7 times स्मॉलर कंट्री कैसे जो है अपने से बड़े, 7 गुना जो बड़ा देश है उसके ऊपर आप कैसे अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को मतलब जरूरत क्या है कि एक तो आप अब देखें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तबाह हो चुकी है, ठीक है, और बांग्लादेश जो है जो हमसे भी छोटा है और हमसे अलग हुआ है, हमारा एक हिस्सा था बांग्लादेश जो है, ईस्ट पाकिस्तान था तब,
तो वो हमसे जीडीपी के मामले में आगे निकल गया। रीजन क्या है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बांग्लादेश के, बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है, क्रिकेट भी होती है, बांग्लादेश वाले भी उधर जाते हैं, बांग्लादेश वाले आईपीएल भी खेल रहे होते नजर आते हैं, ठीक है, इंडिया वाले जो है वो भी बांग्लादेश में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सारा कुछ होता है, बांग्लादेश 90% मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इंडिया को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमारी क्या प्रॉब्लम है यार के मतलब हम एज अ नेशन पाकिस्तानीज आर वेरी गुड, एज अ नेशन बहुत गुड लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं बहुत अच्छे हैं, वो प्यार मोहब्बत चाहते हैं एक दूसरे से, इंडिया से कोई आता है तो उसको सर पर उठा लेते हैं, ठीक है, इतना प्यार देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज बिटवीन बोथ कंट्रीज पता नहीं क्यों ऐसे हैं। उसके बाद जब से मतलब तब भी बीजेपी थी, आज ही बीजेपी है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन एक लीडर का फर्क आ गया, लीडर का बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम है, एक लीडर का फर्क आ गया कहीं ना कहीं। पहले वही वाजपेयी थे, वो कहते थे जी के बाबरी मस्जिद के ऊपर जो अटैक किया ये गलत हुआ है, एक आज के लीडर हैं वो कहते हैं जी ठीक हुआ है, मतलब डिफरेंट एक नजरिया है कि थिंकिंग चेंज हो गई है कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि यार प्यार बढ़ाना चाहिए एक दूसरे के साथ, नेबर कंट्रीज हैं तो एक दूसरे के साथ प्यार लेकर चलना चाहिए, और मतलब देखें पाकिस्तान के जो मतलब मैं अगर एज अ पाकिस्तानी बात करूंगा कि इंडिया के साथ अगर बिगाड़ कर रखोगे तो लॉस जो है वो पाकिस्तान का होगा, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, अगर अपनी इकोनॉमी को बचाना है आपका डिफेंस बजट इतना कम हो जाएगा आप दुनिया में, मैं कहता हूँ आपको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं, आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इंडिया के साथ बनाकर रखो तो। लेकिन आज के वीडियो में चीज यही थी कि हमें लाइफ स्टोरी जो है अटल बिहारी वाजपेयी उनका पता चला, बिल्कुल, कि यार कितने महान और कितने बड़े शख्स थे वैसे। चले बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे, रखिए बहुत सारा ख्याल।